अब खबर विस्तार से बात करते हैं नीमच जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला अस्पताल की। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। चंद घंटे में गर्भवती माँ और शिशु ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। नीमच के जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। इन मौतों के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। यह घटना सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच हुई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और दो मौतों का जिम्मेदार नीमच जिला अस्पताल के डॉक्टरों और उनकी लापरवाही को बताया। परिजनों ने बताया कि ग्राम रावतखेड़ा निवासी प्रकाश कुमार पति शीतल सिंह चुंडावत को सुबह 5 बजे नीमच जिला अस्पताल डिलीवरी के लिए लाया गया था। हालत गंभीर होने के बाद भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे और सही सलाह या सजेशन देने के बजाय नॉर्मल डिलीवरी का बात कहकर मामले को टालते रहे। सुबह 8 बजे प्रकाश कुंवर ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई और बाद में सुबह 11 बजे प्रकाश कुंवर ने भी दम तोड़ दिया। इस दौरान ड्यूटी पर कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था। दोनों मौत होने के बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे। इसको लेकर परिजनों ने काफी आक्रोश जताया और इस लापरवाही का जिम्मेदार डॉक्टर धाकड़ को बताया। नीमच के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होना कोई नया मामला नहीं है, लेकिन डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत होना यह पहली घटना है। इस घटना से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं, जिला अस्पताल में कम समय देते हैं। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच बैठा दी गई है और साथ ही नीमच SDM को निर्देशित किया गया है कि वे पूरे मामले की जांच करेंगी और अस्पताल व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी नीमच कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। सुबह मेरे भाभी जी का मतलब डिलीवरी था तो हम 5 बजे उनको लेके आए थे। 5 बजे से मतलब 8 बजे तक तो इन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी है, टाइम लगेगा तो आप वेट कीजिए। तो 8:15 बजे करीबन डिलीवरी हुई थी, बच्चा हुआ था। तो बच्चे को बताया कि गले में नाड़ी वगैरह है, तो मतलब 5-10 मिनट तो वहाँ जब रखा कुछ मतलब मूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर उसको ICU में लेके गए तो वहाँ बोल दिया कि एक्सपायर हो गया बच्चा 8:15 बजे करीबन। 8:15 बजे के बाद इनके जब तक जो महिला थी भाभी जी मेरे उनको बताया कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ क्रिटिकल नहीं, बस के चल रहा है ट्रीटमेंट। फिर 9:30 बजे बोलते हैं कि इनके पेमलेट्स वगैरह कम है, ब्लेंडिंग हो रही है, तो इनका ब्लड की ज़रूरत लगेगी। तो हमने ब्लड भी उपलब्ध करा दिया, ला के ब्लड वगैरह कर दी उपलब्ध करा के बाद इनको मतलब ब्लड वगैरह चढ़ाया। तो मतलब मेरा कहना यह है कि जब 5 बजे इनको एडमिट किया, 5 से 8 के बीच में कोई डॉक्टर नहीं था, इनको कोई ना देखने वाला था या कोई नहीं था, बस तब ये करते रहे कि अभी डिलीवरी में टाइम है, वेट है, वेट आप बस इंतज़ार कीजिए। जब डॉक्टर इनकी जो ड्यूटी थी डॉक्टर की 8 बजे, वो 8:30 बजे आता है और उसके बाद ये ट्रीटमेंट वगैरह करता है। इतने मतलब टाइम निकल चुका था, इससे पहले हमको बता देते थे हम इनको रेफर वगैरह कहीं भी उदयपुर ले जा सकते थे। जिन महिला की मौत हुई उनका नाम क्या है? महिला का नाम प्रकाश कुमार। आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ड्यूटी डॉक्टर की इसमें गलती है, लापरवाही बनी था? लापरवाही डॉक्टर की है, जो ड्यूटी पर डॉक्टर था ढाकड़ में करके कोई था, पर वो जिस ड्यूटी टाइम में यहाँ पर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी। जिस टाइम मतलब पॉसिबल था कि हम पेशेंट को बचा सकते थे, उस टाइम उन्होंने कुछ मतलब पेशेंट के साथ कुछ नहीं किया, तो उसमें ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति होने के बाद ही फिर ये ऑक्सीजन मास्क लगा रहे और ब्लड वगैरह चढ़ा रहे, होने के बाद जब स्थिति बाहर हो गई मतलब सुधार से बाहर, उसके बाद ही इलाज कर रहे, तो